तो हम दोनों अभी पहुंच चुके हैं शनि सिग्नापुर और सभी भक्तों को एक ही बात बोलना चाहेंगे, जय शनि देव। जय शनिदेव सभी भक्तों को। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं शनि सिग्नापुर धाम, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में स्थित है। और इस वीडियो में हम आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप भी शनि सिग्नापुर धाम कैसे जा सकते हैं। तो चलिए करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। शनि सिग्नापुर जाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा साईं बाबा मंदिर शिरडी, जो कि हमारे अपार्टमेंट से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के सामने से ही आपको शनि सिग्नापुर जाने के लिए मिनी बस या फिर जीप मिलती है, या आप सब भी हमारी तरह शिरडी पालकी गार्डन के सामने खड़े होकर मिनी बस का इंतज़ार कर सकते हैं, जो आपको सिग्नापुर लेके जाएगी। तो फाइनली आ गई है हमारी मिनी बस और यही हमें लेके जाने वाली है शिरडी से 70 किलोमीटर दूर शनि सिग्नापुर धाम में। और ये पूरा सफ़र 4 घंटे का होने वाला है, जिसमें 3 घंटे सिर्फ आने और जाने के लगने वाले हैं और 1 घंटा आपको दर्शन के लिए दिया जाएगा। हमारी बस शिरडी से शनि सिग्नापुर धाम के लिए रवाना हो चुकी है। दोस्तों, हम जिस बस में है वो शाम के 5 बजे शिरडी से चली है, तो रात के 9-9:30 बजे तक हमारी वापसी होगी। और जिस बस में आप जाएंगे वही आपको वापस लेके आती है। तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हमारी बस एक ढाबे पे रुक गई है। सभी भक्त यहाँ पे चाय व नाश्ता पानी करेंगे। यहाँ पे एक अनोखी चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी कि ये लोग आज भी प्राचीन संस्कृति को मानते हैं। आप देख सकते हैं कि नंदी की मदद से ये गन्ने का ताज़ा जूस बनाया जा रहा है। और साथ ही इन्होंने बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए हुए हैं और आरती जी काफ़ी देर से झूला ही झूल रही हैं। और 20 मिनट के ब्रेक के बाद हम चल दिए शनि सिग्नापुर धाम के लिए, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप खुद की गाड़ी या बाइक पे आते हैं तो जैसे ही आप शनि सिग्नापुर में एंट्री करेंगे, प्राइवेट पार्किंग वाले आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे और उसके बाद आपको प्रसाद खरीदने के लिए कहेंगे, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो बेहतर यही है कि आप इस धोखाधड़ी में ना फंसें। और धीरे धीरे करके सभी यात्री बस से नीचे उतर रहे हैं। शनि मंदिर के सामने ही बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस दिया हुआ है, जिसकी टिकट 20 रुपये है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और मंदिर के एंट्री गेट पे ही बहुत सारी दुकानें भी बनी हुई है, जहाँ से आप शनि देव जी के लिए प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि शनि देव जी को क्या क्या चढ़ाया जाता है। आप शनि देव जी को घोड़े की नाल चढ़ा सकते हैं, या फिर नज़र गोटी को भी बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। और इनके साथ ही सरसों या फिर तिल का तेल भी चढ़ाया जाता है। शनि सिग्नापुर धाम का एंट्री गेट इतना विशाल है कि आपको मेन रोड से ही दिख जाएगा। और यहीं से आपको मुख्य मंदिर की तरफ जाना है, जहाँ पर हमारे शनि देव जी विराजमान हैं और हम सबको मिल के उनके दर्शन करने हैं। तो हम दोनों अभी पहुंच चुके हैं शनि सिग्नापुर और सभी भक्तों को एक ही बात बोलना चाहेंगे, जय शनि देव। और हम एंट्री कर चुके हैं मंदिर परिसर में और अभी हम अंदर जा रहे हैं। अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे, कैसा रहता है अंदर, शनि देव के दर्शन कैसे रहते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। इस प्राचीन शनि मंदिर के साथ बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं और इसे भारत के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है। और आप देख पा रहे होंगे कि टीवी शो वालों ने भी मंदिर में अपनी एडवर्टीजमेंट की हुई है। मंदिर में एंट्री करने से पहले ही सभी भक्तों के पैर धुलवाए जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण हमेशा चलता रहता है, जिसकी वजह से ये एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है। और यहाँ पे चेकिंग बूथ भी लगाए हुए हैं। जो भी भक्त शनिदेव जी के लिए माला और काली चुन्नी लेके आए हैं वो सब इसी त्रिशूल पे चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। और देखिए, जो प्रसाद भी हम बाहर से लेके आएंगे वो सब यही रास्ते में रखी हुई कैरेटों में हमें अलग अलग करके चढ़ाना होगा।
आप सिर्फ तेल की बोतल अंदर लेके जा सकते हैं, बाकी कुछ भी अलाउड नहीं है। आज सैटरडे होने की वजह से भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सैटरडे को शनिदेव जी का मुख्य दिन माना जाता है। हमें अपने तेल को इसी टेबल पर चढ़ाना होगा, क्योंकि डायरेक्ट शनिदेव जी की प्रतिमा पे तेल चढ़ाने के लिए 500 रुपये की टिकट लेनी होती है। बट आप किसी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तेल हम यहाँ भी चढ़ा रहे हैं वह डायरेक्टली पाइप से जाके शनिदेव जी के ऊपर लगे हुए कलश से उन्हें लगातार चढ़ता रहता है। और मान्यता है कि शनिदेव जी की यह प्रतिमा 400 वर्ष पहले बाढ़ में बह के इस गांव में आई थी, और जब किसी व्यक्ति ने इन्हें लाठी से स्पर्श किया था तो इस प्रतिमा को चोट का निशान बन गया था। तो गांव वाले यह देखकर काफ़ी हैरान हुए थे, और बाद में कई गाँव वासियों को स्वप्न में खुद शनिदेव जी ने दर्शन दिए और अपने इस गाँव में होने का एहसास दिलाया और कहा कि मेरी प्रतिमा को बैलगाड़ी में लेके जाओ और जहाँ भी बैलगाड़ी रुकेगी वहीं इसे स्थापित कर देना। तो गांव के तकरीबन 100 व्यक्तियों ने इस प्रतिमा को उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उसके बाद दोबारा से शनिदेव जी ने किसी व्यक्ति के स्वप्न में आकर बताया कि इसे सिर्फ मामा भांजे की जोड़ी ही उठा सकती है, और जिस प्रतिमा को 100 व्यक्ति नहीं उठा पा रहे थे सिर्फ मामा भांजे की जोड़ी ने उसे उठा दिया, और जहाँ बैलगाड़ी रुकी थी वहीं आज शनि सिग्नापुर धाम बना हुआ है। और मंदिर परिसर में ही एक हवन कुंड भी बना हुआ है, और थोड़ा सा चलते ही एक मेडिटेशन हॉल भी है, और यहाँ प्रसाद काउंटर भी बना हुआ है जहाँ से आप अपने घर वालों के लिए प्रसाद ले सकते हैं, और हमने भी यहाँ से प्रसाद लिया। हो चुके हमारे दर्शन पूरे, और अभी हम मंदिर परिसर में जो बाकी के मंदिर बनाए गए हैं उनके दर्शन करने जा रहे हैं, उनका लुत्फ़ उठाने जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर वो दिख रहे हैं अभी। देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग करके इनको सजाया गया है, और आपको भी मंदिर की एक झलक जरूर दिखाएंगे। और यहाँ शनि देव जी के सभी 9 ग्रहों को दर्शाया गया है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब है। शनि देव जी को न्याय के देवता भी कहा जाता है, और सभी सिग्नापुर वासियों की शनि देव खुद रक्षा करते हैं। इसीलिए सिग्नापुर में जितनी भी दुकानें या मकान बने हुए हैं उन पे कहीं भी आपको ताला देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट में भी कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। और जिन भक्तों को शनि सिग्नापुर में नाइट स्टे करना है वो भक्ति निवास में जाके रुक सकते हैं, जहाँ 300 रुपये का रूम मिलता है। और भक्ति निवास में ही बना हुआ है भोजनालय, जिसकी 50 रुपये की टिकट है, तो आप सभी यहाँ जाके भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय शनिदेव।